टीकमगढ़ में शासन की ओर से राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बुजुर्गों को स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उन्हें आवश्यकता अनुसार चश्मा, श्रवण यंत्र, व्हीलचेयर व बैसाखी का वितरण किया गया। 17 दिसंबर 2019 को शासन की ओर से राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत निःशक्त जन पुनर्वास केंद्र जतन में वरिष्ठ नागरिकों के लिए परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बीपीएल श्रेणी के बुजुर्ग नागरिकों का परीक्षण किया गया। इस आधार पर उन्हें चश्मा, श्रवण यंत्र, दांत, व्हील चेयर, बैसाखी आदि उपलब्ध कराया जाएगा। भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम भारत सरकार की पैनल टीम में डॉक्टर संकेत कुमार राउत के नेतृत्व में यह परीक्षण किया गया। 16 दिसंबर को 75 एवं 17 दिसंबर को 342 वृद्धों का परीक्षण किया गया। लैलूंगा विकास खंड के ग्राम बसंतपुर के रैतियो पैकरा ने कहा कि यह परीक्षण शिविर एक सेवा के समान है, जिसमें उनकी समस्याओं का निदान हो सकेगा। बसंतपुर के ही सुखलाल यादव ने कहा कि वृद्धावस्था में कई तरह की तकलीफ होती है, जिनमें चलने फिरने में परेशानी होती है। ऐसे में बुजुर्गों को व्हील चेयर, बैसाखी एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना सराहनीय है। इस अवसर पर डिप्टी कलेक्टर अभिलाषा पैकरा, सहायक कलेक्टर रमेश साहू, प्रोवेशन अधिकारी विवेक तिवारी, नेत्र सहायक चिकित्सा अधिकारी हितेश जायसवाल सहित बड़ी संख्या में वृद्ध जन उपस्थित थे। ये भारत सरकार की एक योजना है, राष्ट्रीय वयोश्री योजना। इस योजना के अंतर्गत बीपीएल श्रेणी के जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनका चेकअप करने के बाद उनकी आवश्यकता क्या क्या है, जैसे चश्मा, श्रवण यंत्र, और जैसे चलने फिरने में किसी को परेशानी है तो उनको छड़ी या बैसाखी या व्हील चेयर, या किसी का दांत खराब है, दांत झड़ चुके हैं तो ऐसे लोगों के लिए कृत्रिम दांत, और ये सारी चीज़ दिए जाने का इसमें प्रावधान है, जिसके तहत एलिम्पो से डॉक्टर संकेत कुमार राउत का एक टीम आया हुआ है। उस टीम में इनके जो है टोटल मिला के 10-11 कर्मचारी हैं, जिनके द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उनका जो है जैसे जैसे आवश्यकता है उसके अनुसार उनको परीक्षण किया जा रहा है, और परीक्षण करके ये असेसमेंट शिविर है, ये असेसमेंट किया जा रहा है कि उनको क्या चाहिए, और इसी कारण से शिविर आयोजित किया गया था। इसके लिए जिले के सभी जनपद पंचायत के और नगरीय निकाय के अधिकारियों को आग्रह किया गया था कि हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं उनको कैंप में भेजें। कल 16 और 17 के कैंप था, 16 तारीख को 75 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ, जिसमें से 2 लोग अपात्र पाए गए, 73 लोगों का परीक्षण हुआ और उनका जो है लिस्टिंग हो गया है। और आज अभी शिविर आप स्वयं देख रहे हैं कि अच्छी भीड़ लगी हुई है, और ये कैंप जो है मुझे लग रहा है कि सफलता इसमें हमको मिली है। भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दौरान ये राष्ट्रीय वयोश्री योजना, जिसमें सीनियर सिटीजन जो कि बीपीएल कैटेगरी के हैं उनके लिए एक परीक्षण शिविर, स्वास्थ्य परीक्षण शिविर, क्योंकि सीनियर सिटीजन को आँखों की जाँच, कान की जाँच और यहाँ पे दांत के लिए और अस्थिवादित तरह तरह के सहायक उपकरणों की जाँच यहाँ पे हो रही है और ये निःशुल्क उनको प्राप्त होगी। आज जितने लोगों का परीक्षण हो रहा है उसके बाद किस प्रकार से वितरण होगा, सामग्री होगा? आज कम से कम कल जैसे कल से ये शुरुआत हुई थी इस शिविर की, तो इस शिविर में कल 73 लोगों की जांच हुई थी और आज लगभग 200 से 250 लोगों की जांच की हमें उम्मीद है, और बहुत संख्या में प्रशासन और समाज कल्याण विभाग के सहायता से सारे लोग आए हुए हैं, और इन लोगों को एक परीक्षण के बाद एक पावती रसीद दी जाती है, कंप्यूटराइज रसीद, जिसको प्राप्त करने के बाद वितरण शिविर के दौरान उसी रसीद को वो दिखा के अपना सामान और साधन बना के ले सकते हैं। इसमें हमारी राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक के जितने भी हमारे पेंशनधारी हैं जो बीपीएल श्रेणी में आते हैं उनका जांच चल रहा है। 2 दिवसीय कैंप है, इसमें बाहर से हमारे चिकित्सकगण आए हुए हैं, उनके आँख का, नाक, कान, दांत सभी का इलाज कर रहे हैं। उसके बाद जैसे इनकी मतलब जाँच हो जाएगी, जो भी इनकी पात्रता बनेगी, व्हील चेयर हो गया, चश्मा हो गया या डेंटल कुछ भी, वॉक स्टिक्स वगैरह हो गया, जो भी है वो फिर बाद में इनको वितरित किया जाएगा। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।